चाहे दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी एमएम कॉम एमएससी के बारे में। दोस्तों सेकंड राउंड के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। चाहे आप बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लो, चाहे आप एमएम कॉम एमएससी में एडमिशन लो, ठीक है, या आप एडमिशन लेने वाले हैं। दोस्तों बीए बीकॉम बीएससी का सेकंड राउंड और एमएम कॉम एमएससी का जो सेकंड राउंड है, रजिस्ट्रेशन चॉइस प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है और किसे नहीं करना है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर सेकंड राउंड में हमें रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना, हमने फर्स्ट राउंड में कर लिया, सेकंड राउंड में करना है चॉइस प्रिंट या नहीं करनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है किसे नहीं करना, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, ठीक है। चाहे आप बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे एमएम कॉम एमएससी के स्टूडेंट हो, सेकंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रूल सभी के लिए सेम रखे गए हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिन्होंने अभी तक फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, ना तो रजिस्ट्रेशन किया था, ना चॉइस फिलिंग की थी, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा था, यानी कि वो फर्स्ट राउंड के बारे में जानते ही नहीं थे और डेट निकल गई। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि उन्हें फर्स्ट राउंड से मतलब ही नहीं है, वो तो अब फर्स्ट राउंड से पूरी तरह से हट चुके हैं, यानी कि अब वो सेकेंड राउंड में न्यू स्टूडेंट है। कैसे हैं न्यू स्टूडेंट, तो ऐसे छात्रों को सेकेंड राउंड में क्या करना है मैं बता दूं। जो न्यू स्टूडेंट है ना, न्यू स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस प्रिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप गर्ल्स हो चाहे आप फीम जो कि बॉयज हो, सभी का पेमेंट रहेगा 150 रुपये प्लस 50 रुपये का पोर्टल चार्ज, 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा, चॉइस प्रिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, फ्री रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जब आप चॉइस प्रिंग कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो उसके 3-4 दिन के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से ऑटोमेटिकली कर दिए जाएंगे, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, तो आपके मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, कुछ गलती हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं। जो भी मिस्टेक होगी उस मिस्टेक को पहले आपको एडिट करना पड़ेगा, और एडिट करने के बाद में आप फिर से जो कि चॉइस फिलिंग करोगे और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने के लिए फिर आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेज में खुद से जाना पड़ेगा, यानी खुद जाना पड़ेगा, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाएंगे, यानी कि आपको फिर क्या करना होगा, मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जो कि ओल्ड स्टूडेंट की, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है, चॉइस फिलिंग भी कर ली थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया था, लेकिन कोई कारण था इनको जो कॉलेज मिल गया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, पसंद का कॉलेज नहीं हुआ, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में मैं बता दूँ क्या करना है। सेकेंड राउंड में ऐसे स्टूडेंट को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है और कोई भी काम नहीं करना है। अब ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट ओल्ड स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में क्या किया था, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था, चॉइस प्रिंट भी कर लिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गए थे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होने की वजह से उन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो ऐसे स्टूडेंट को अब सेकेंड राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन तो कम्प्लीट हो गया ना, तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में बताया जाएगा कि क्या कमी है, उस कमी को आप सही करोगे, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके उस कमी को सही करोगे, ठीक है, इसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, और चॉइस फिलिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो सेकेंड राउंड में केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग ही करना है, तो बात समझ में आ गई। अगर आपको सेकंड राउंड से संबंधित और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।